हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देयर आर 8 फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, एग्रीगेट यूनिट्स। इनकम थ्योरी, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड्स, ग्रोथ मॉडल, जनरल प्राइस लेवल, पॉलिसी ओरिएंटेड। सो देयर आर 8 फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई विल बी एक्सप्लेन वन बाय वन। ओके, फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। स्टडी ऑफ एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। अब स्टडी ऑफ एग्रीगेट में जो भी हम स्टडीज़ करेंगे, लास्ट लेवल होल लेवल पे स्टडीज़ करेंगे। और यहाँ पे कंसर्न क्या है कुछ फैक्टर्स को, वो फैक्टर कौन से हैं? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डील करता है। और आपको दिया जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो यही है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। सेकेंड फीचर्स, इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगेन स्टडीज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड, मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। नेशनल इनकम इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोशल अकाउंटिंग। नेशनल इनकम को हम सोशल अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं ना मेथड मेजर करने का, वो कौन से मेथड्स हैं जो मेजरमेंट करते हैं? वो हैं इनकम मेथड्स, आउटपुट मेथड्स और एक्सपेंडिचर्स मेथड्स, ठीक है। ये 3 मेथड्स हैं जो मेजर करते हैं नेशनल इनकम को। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, हाँ, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था उसमें हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई, क्योंकि लार्ज लेवल की हम बात कर रहे हैं। फिर इसमें दिया है, ये एक्सप्लेन करता है फ्लक्चुएशन को, कौन से फ्लक्चुएशन को? नेशनल इनकम, जो कि बिजनेस साइकिल को लीड्स करता है। और फिर या इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन। ओके, थर्ड फीचर्स, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशन। तो ये भी डील किसके साथ करता है? लार्ज, हाँ, टोटल के साथ, ठीक है। अब इसका जो बिहेवियर है वो क्या है, जिसमें रिलेशन है वो डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस, हाँ, होल लेवल पे ये जो फैक्टर्स हैं इनका रिलेशनशिप बिटवीन है, ठीक है। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मीन्स व्हाट? देयर आर 2 फैक्टर्स और मोर फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें जो फैक्टर्स, एग्रीगेट फैक्टर्स दिए हैं, वेरिएबल्स दिए हुए हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं? यहाँ पे दिया हुआ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल, दे आर इंटर रिलेटेड। ये क्या है, ये जो फैक्टर्स हैं इनकम एंड आउटपुट, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इन टू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, हाँ, लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इन्वेस्टमेंट चेंज होगी तो हमारा लेवल ऑफ इनकम भी चेंज होगा। और फिफ्थ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमिक्स रेदर देन इट पार्ट्स। तो अगेन स्टडीज करता है होल इकोनॉमिक्स को, लंपिंग मेथड्स। और इससे रिलेटेड प्रोफेसर ए बॉल्डिंग, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज का जो एग्रीगेशन है वो फॉरेस्ट है। दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंगल ट्रीज और माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो एग्रीगेट है और वो इंडिविजुअल है, सिंपल। 6 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ मॉडल्स। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो फैक्टर्स वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, फिर ये यूजफुल है डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स हैं, ठीक है। महान लोग भी इस ग्रोथ मॉडल एम्फेसाइज करते हैं। वो किसको बेसिक ठहराते हैं? हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब सेकेंडरी सेक्टर्स क्या करता है, वो डेवलप करता है जो हमारी कंट्री को। ओके, एंड फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जनरल प्राइस लेवल।
is the average of all price of goods and services currently being produced in the economic. इकोनॉमिक्स में जो भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है ना उसको हम एवरेज में, हाँ एवरेज में निकालते हैं, उसकी प्राइस क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, हम उसको स्टडीज़ करते हैं, हाँ जब भी उसकी प्राइस चेंज होती है. ठीक है, नेक्स्ट. एट फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. पॉलिसी ओरिएंटेड. अकॉर्डिंग टू कीन्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस. ठीक है, कीन्स जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कहा है कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है ओरिएंटेड साइंस. ठीक है, बेस्ड किया और ये सजेस्ट करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशंस. इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन मतलब क्या, जो भी मंदी आती है, हाँ और जो भी भारी मंदी आती है उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है. ठीक है, और जो भी पॉलिसीज़ हैं वो क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, जैसे प्राइसिंग पॉलिसी,